मुंबई मंडली कशी आहे बरी आहे ना। आज आपको ये मेरे मराठी लैंग्वेज मराठी इंट्रोडक्शन से पता चल गया होगा कि आज मैं आपके सामने कौन सा लुक लेके आई हूँ। आज मैं आपके सामने ये महाराष्ट्रन लुक लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने ये जो डार्क कोल आईज की है जो ये मेरे पूरे महाराष्ट्रन लुक के साथ बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, उसके साथ ही ऑथेंटिक दुपट्टा पहना है जो मैंने पुणे के लक्ष्मी रोड से लिया है। ये सारी जो ज्वेलरीज है ये भी मैंने पुणे लक्ष्मी रोड से ली है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने ऑथेंटिक महाराष्ट्रन लुक में यूज की है। ये लुक आप कोई भी महाराष्ट्रन फंक्शन में बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो। जैसे आप किसी महाराष्ट्रन की बर्थडे पार्टी पे गए, वेडिंग में गए या और किसी रिलीजियस फंक्शन में गए तो ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी क्विक एंड इजी लुक विद द रिवर्स विंग आईलाइनर। तो चलिए आज मैं आपके साथ ये वाला लुक शेयर करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्रन मेकअप लुक। इसमें मैं ज्वेलरी भी थोड़ी मराठी स्टाइल की पहनूंगी, मेकअप भी वैसे करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे ये लुक को महाराष्ट्रन फंक्शंस में या महाराष्ट्रन गैदरिंग में, बर्थडे पार्टी में, गणपति फंक्शन में कैसे इसको कैरी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सो पहले मैं ले रही हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। और जैसे कि हम मेकअप के पहले सबसे पहले हम पूरे फेस को प्रेप करते हैं, उसके लिए फेस पे मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी है। तो कोई भी अगर आपका ड्राई स्किन भी हुआ बट मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट। सो मैं थोड़ा सा ले रही हूं और मैं इसको पूरे फेस पे मसाज करूंगी। अच्छे से उसको मैं मसाज करूंगी कि ये मेरी स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इफ यू यूज प्राइमर मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और जो यहाँ पे सब ओपन पोर्स रहते हैं बहुत लोगों को वो पोर्स आपके कम दिखेंगे। सो आज मैं अरमानी का ये प्राइमर लगा रही हूँ और मुझे जो जो एरिया में लग रहा है पोर्स है वहां पर ही मैं लगा रही हूँ, मैं फुल फेस पे नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा प्राइमर लेके मैं अपने नोज पे और ये एरिया में मैं प्राइमर लगा रही हूँ। एक्चुअली बहुत लोग प्राइमर स्किप करते हैं बट प्राइमर इज मस्ट। ओपन पोर्स आपके कम दिखेंगे, मेकअप भी आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्राइमर्स आए हैं। अगर आप नायका पे जाओगे आपको इतने अच्छे प्राइमर्स मिलेंगे। मैंने सुना है नायका का प्राइमर भी बहुत अच्छा है, देन इवन लैक्मे का प्राइमर बहुत अच्छा है। देन अगर हाई एंड ब्रांड्स में जाना है तो स्मैश बॉक्स आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर। फिर और भी हाँ मेबेलिन ने बहुत अच्छे नए फिटमे के प्राइमर निकाले हैं तो मैंने सुना वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं अभी प्राइमर मैंने जो मेरे मुझे जहां पे मुझे रिक्वायर था वहां पे मैंने प्राइमर लगा लिया और थोड़ा सा मेरे हाथ में जो बचा था मैं उसको अपने फुल फेस पे थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। प्राइमर हो गया, अभी मैं फाउंडेशन चालू करूंगी। तो आज मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ का ये फाउंडेशन मैं ले रही हूँ आज। सो ये काफी फुल कवरेज फाउंडेशन है तो मैं इसको पहले बहुत कम लगाऊंगी बिकॉज मुझे वो चौकी या अननेचुरल स्किन अच्छी नहीं लगती है। मुझे वो नेचुरल जो फाउंडेशन स्किन में ब्लेंड हो जाता है मुझे वैसा पसंद है। तो मैं पहले बहुत कम फाउंडेशन लगाऊंगी, इसके साथ इससे मिलता है तो मुझे जहां जहां मतलब मैं पूरे अपने फेस पे यूं इससे स्पूली से फाउंडेशन मैंने लगा लिया। बस पहले मैं इतना ही लगाती हूँ और मैं देखती हूँ अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा रिक्वायर है तो मैं ज्यादा लगाऊंगी। आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ तो मैं ये पैक का ब्यूटी ब्लेंडर आज यूज करूंगी। पैक के ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छे आते हैं। किया और एक्सेस वाटर निकाल दिया, अभी मैं इससे अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी। यू ब्यूटी ब्लेंडर को यूज इस तरीके से करते, ऐसे नहीं करते, उसको ऐसे करके पूरे फेस पे मैं फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी।
पहले मैं इससे मैंने जितना लगाया है उसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी और फिर मैं देखूंगी कि मुझे और ज्यादा रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अच्छे से जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा माउथ एरिया के पास फाउंडेशन लगा रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि इतना, ये बहुत ज्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन है तो इतना रिक्वायर नहीं है। थोड़ा सा मैंने यहां पे लगा लिया, थोड़ा सा मैं यहां लगा रही हूं बस, और अभी मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूंगी। फाउंडेशन आपका जो फ्लॉलेस, अगर आपको फाउंडेशन चाहिए तो उसकी एक ही की मेथड है, ब्लेंडिंग। अब जितना उसको अच्छे से ब्लेंड करोगे आपका फाउंडेशन उतना ही स्किन के अंदर जाएगा और वो आपका स्किन, मतलब नेचुरल स्किन वाला लुक देगा। और ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। मुझे तो एक्चुअली ब्रश के साथ भी बहुत ही पसंद है, पर आज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। उसको ऐसे, फाउंडेशन हमेशा ऐसे ही लगाते, उसको डैप करते यू आंखों के नीचे भी मैंने उसको लगा लिया। आपको जब तक लगता है कि आपका फाउंडेशन इवनली स्प्रेड हो गया है तब तक ब्लेंड करिए, जब तक आपको लगता है कि मेरा फाउंडेशन पूरा इवनली स्प्रेड हो गया। क्योंकि फाउंडेशन अगर अनइवन दिखेगा तो आप कहीं पे जाओगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी नहीं लगेगी, मतलब किसी को पता चल जाएगा कि अनइवन लुक है। तो फाउंडेशन ब्लेंड अच्छे से करना इट्स मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप जब पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग में जो कैनवास है वो एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए, अदरवाइज आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं रखेगी। तो फेस इज ऑल्सो लाइक अ पेंटिंग, योर कैनवास हैज टू बी फ्लॉलेस, तभी ही दूसरा मेकअप आपका अच्छा लगेगा। तो चलो फाउंडेशन मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया। अभी मैं ले रही हूं कंसीलर, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर है पैक का। पैक के ये जो कंसीलर है स्पॉटलाइट कंसीलर, इट्स अ वेरी गुड कंसीलर, इट्स अ हाई कवरेज एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड इट्स अ वेरी गुड कंसीलर। सो यू डोंट हैव टू यूज दैट मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, थोड़े अमाउंट में भी आपका डार्क सर्कल या जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा कंसीलर अपने आईज के नीचे लगाऊंगी, और ये शेड है मेरा फ्रोजन कैरेमल, ये येल्लो टिंट पे है, आपके डार्क सर्कल बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो मैंने पहले थोड़ा सा लिया बिकॉज मुझे ज्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज आंखों के नीचे क्रैक्स आ जाएंगे। तो पहले आप थोड़ा सा कंसीलर लीजिए और उसको अच्छे से आप अपनी आंखों के नीचे लगाइए, उसको भी डैप करिए। आप कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उसको स्किन में पुश करना होता है, तभी आपको वो अच्छा नेचुरल इफेक्ट देगा। ये रहा बस, इतना कंसीलर बहुत ही है। आपने देखा मैंने कितना कम अमाउंट लिया और मुझे फुल कवरेज मिला। ये बहुत ही अच्छी कंसीलर है, आप इसमें एक या दो शेड जरूर इन्वेस्ट करिए, एक येलो टिंट पे और एक ब्राइटनिंग वाला। मैं आज ब्राइटनिंग नहीं लगा रही हूं क्योंकि मैं इसमें ही बहुत हैप्पी हूं। अभी मैं आंखों के नीचे बेक करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूं फिटमी का पाउडर एंड ये है शेड मीडियम, मीडियम डीप। एक्चुअली ये मेरा गलत शेड आ गया है, मुझे लाइट लेना था बट मैंने मीडियम ले लिया, तो अभी मैं इसके साथ ही काम चला रही हूं। बट मेरे हिसाब से अगर आपकी मेरी स्किन टाइप है अगर आपकी, तो आप लाइटर शेड में जाइए। ये जो मीडियम डीप शेड है ये थोड़ा येलो पे आ जाता है। सो ये जो पाउडर है फिटमी का, ये एकदम लाइट पाउडर है और दिस इज द ड्रग स्टोर ब्रांड, बट इसकी जो इफेक्ट है ये पाउडर की एकदम हाई एंड पाउडर जैसी है। आपने कोई हाई एंड पाउडर लगाया आपको ऐसा ही लगेगा। तो मैं थोड़ा सा पाउडर, मैंने जो अपना स्पॉन्ज था ब्यूटी ब्लेंडर उसमें ले लिया और उसको मैं अपने आंखों के नीचे ऐसे डैप करूंगी, ऐसे मैं अपने आंखों के नीचे उसको लगा लूंगी बेकिंग के लिए। थोड़ा सा पाउडर मैंने और लिया,
और ये अब मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें ही मैंने ले लिया और मैं उसको आंखों के नीचे और थोड़ा यहाँ पे लगा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे ज्यादा मैट मेकअप अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैं पूरे फेस पे पाउडर नहीं लगा रही हूँ। बस तो मैंने इतना पाउडर लगा लिया अपने फेस पे, ब्रॉस कर देती हूँ और फिर अपने ब्लेकिंग को निकाल देंगे। तो ब्रॉस के लिए मैं मिस क्लेयर का ये ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ। पहले मैं इसका जो ब्रश है उससे अपनी ब्रॉस को अच्छे से कोम कर लूंगी। उसके बाद जहां जहां मुझे लगता है वहां मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रोडक्ट लगा लूंगी, एकदम हल्के हाथों से, क्योंकि मुझे ज्यादा वो अननेचुरल ब्रॉज, थिक ब्रॉज मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे जितनी नेचुरल होती है उतनी अच्छी लगती है। उसके बाद वापस ये ब्रश से मैं अपने ब्रॉज को, आईब्राउज को मैं कोम कर लेती हूँ कि एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो निकल जाए। अपनी आईब्रोज हो गई। अभी जो हमने बेकिंग किया था, मैं एक अच्छा सा ब्रश लूंगी साफ और उससे अपना बेकिंग मैं निकाल दे रही हूँ। जो पाउडर है उसको मैं निकाल रही हूँ। सो मैंने ये जो लूज पाउडर है उसको और थोड़ा स्पॉन्ज पे लिया, थोड़ा सा मैंने उसको स्पॉन्ज पे लिया और मैं अपने जो माउथ एरिया है वहां पे थोड़ा लगा रही हूँ। अब ये जो पाउडर है ये मैंने लिया है मीडियम डीप में, तो इससे थोड़ा सा आपके आंखों के नीचे ब्राइटनिंग के लिए आपको बनाना पाउडर लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपका, अगर देखो मेरे स्किन टाइप है तो आप जरूर लाइट शेड में जाना। तो मुझे लगता है मुझे स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, वहां पे मैंने वही वाले स्पंज से पाउडर लगा लिया। और अभी आज मैं रिवर्स विंग लाइनिंग कर रही हूँ, मतलब ऊपर मैं विंग लाइनर नहीं करूंगी, रिवर्स मतलब मैं नीचे पूरा मोटा सा कोल लुक करूंगी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये प्लम का पेंसिल ले रही हूँ और मैं स्टार्ट करूंगी यहां से, जो ऊपर की जो लाइन है यहां से मैं पहले हल्के हाथ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी यू, और वही लाइन मैं थोड़ा सा वी शेप में उसको नीचे की लाइन में टच करूंगी ऐसे, ये देखिए। और उसके बाद मैं ये लाइनिंग उसके अंदर मैं काजल फिलअप करूंगी और वही लाइन को मैं यहां तक लेके जाऊंगी ऐसे। और जितना आपको डिजायर है उतना आप इसको थिक करिए, अंदर भी आप वाटर लाइन पे भी वही काजल लगाइए, हो गया। और थोड़ा सा आप यहां से उसको एक्सटेंड करिए, थोड़ा सा हल्का सा, बस बहुत ज्यादा शार्प मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने हल्का सा उसको वी शेप में एक्सटेंड किया, हो गया। आपको जितना थिक चाहिए आप आई और नीचे का लाइनर उतना थिक कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट रिवर्स विंग लाइनर लुक है और मुझे ये महाराष्ट्रन लुक के साथ ये वाली आईज लुक बहुत ही अच्छी लगती। अब इसके साथ आप कोई भी अच्छा स्मूथ ब्लेंडेबल काजल लीजिए, मतलब अगर आप जेल काजल लेंगे तो वह जल्दी से ड्राई हो जाता है तो आप उसको अच्छे से स्मज नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरे हिसाब से ये जो प्लम का जो काजल है ये बहुत ही सॉफ्ट है एंड इट्स अ ब्लेंडेबल, सो सॉफ्ट काजल होगा तो आपको उसको ब्लेंड बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते और ये जल्दी से ड्राई नहीं होता है। मैंने अच्छी तरीके से इसको स्मज कर दिया आंखों के नीचे कि ये हार्श ना लगे। अब सेम चीज मैं बनाऊंगी सेकेंड आईज के साथ। ये जो ऊपर का आईज जहां पे खत्म होती है वहां से मैंने एक लाइन बनाई और मैंने नीचे उसको वी शेप में ले लिया और उसको हम अच्छे से फिल कर देंगे।
ऐसे, और ये ही हम इसको आगे से इसको लेके ज्वाइन करेंगे आंखों के अंदर। और जब आप ये रिवर्स विंग लाइनर लुक बना रहे तो मेक श्योर दैट आपकी आई पेंसिल अच्छे से शार्पन हो, बिकॉज आई पेंसिल जो है वो शार्पन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी ही वो बराबर से आपका लुक आएगा। अब मुझे जितनी थिक चाहिए मैं उसको थिक कर रही हूं। और थोड़ा सा मैं इसको यहां से कॉर्नर से निकाल रही हूं, बहुत हल्का सा, मतलब नेचुरल वी कर रही हूं, ज्यादा मुझे हार्श नहीं चाहिए तो मैंने नेचुरल वी शेप किया। आई एम हैप्पी विद द थिकनेस ऑफ दिस काजल। और थोड़ा सा ऊपर हम टाइट लाइन करेंगे, लेके इसको स्मज करूंगी अच्छे से। जो भी आपको थोड़ा हार्श लग रहा है आप उसको स्मज कर लीजिए, और ये थोड़ा सा इसको बाहर एक्सटेंड करिए। हो गया मेरा रिवर्स लाइनर। अब इसके साथ जो मैं आईज है वो मैं एक ही कलर का रख रही हूं, उसके लिए ये मैं वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई शेडो ले रही हूं, ब्रॉन्ज शेड है। तो ये मैं पहले अपने पूरे आईज पे लगा लूंगी। हमने कंसीलर तो लगा ही लिया है, उसके बाद ऐसा एक फ्लफी ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हो गया। अभी मैं आई मेकअप जो ऊपर का आई मेकअप है वो मैं ज्यादा उसको ज्यादा नहीं कर रही हूं, बिकॉज मैं ज्यादा करूंगी तो मेरे नीचे का जो विंग लाइनर है उसका लुक नहीं आएगा। तो मैंने ऊपर के आई का मेकअप एकदम सटल रखा है तो मेरा नीचे का जो आई मेकअप है वो स्टैंड आउट हो। वेरी क्विक, इफ यू वॉन्ट टू गो आउट वेरी क्विकली एंड इफ यू डोंट हैव अ टाइम टू अप्लाई लॉट ऑफ आई शेडो एंड ऑल, देन यू कैन यूज दिस लिक्विड आई शेडो क्विकली एंड गो आउट। ये मतलब वन ऑफ माई फेवरेट है। दूसरी आईज पे भी मैं इसको लगा रही हूं, ये जल्दी से आपका सूख जाता है तो आपको उसको जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर यू ब्लेंड इट वेरी फास्ट, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। तो हो गया ये। अब हम लगाएंगे मस्कारा। ये अगेन मेबेलिन का मैं ले रही हूं, टोटल टेम्पटेशन वाटरप्रूफ मस्कारा। दिस इज माई न्यू फेवरेट। अच्छे से हम मस्कारा लगाएंगे। मैं फॉल्सीज नहीं लगाती हूं तो मेरे लिए अच्छा मस्कारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मस्कारा मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर मेकअप वैनिटी। मस्कारा के बिना मतलब आंखों का कोई शो ही नहीं आता है। मस्कारा आपने लगा लिया और आंखें आपकी पूरी ओपन अप हो जाती है। सो मस्कारा मैंने लगा लिया। अभी जो अंडर आई एरिया है उसमें मैंने जो लूज पाउडर लगाया था वो मेरा थोड़ा डार्क शेड था, तो मुझे उसको, और मैंने आज ब्राइटनिंग कंसीलर भी नहीं लगाया, तो मुझे उसको ब्राइट करने के लिए ये बनाना पाउडर मैं ले रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड का। ये मेरा फेवरेट बनाना पाउडर है। इसको मैं यही वाले स्पॉन्ज में लूंगी ये, और मैं इसको अंडर आई में डैप कर दूंगी और ब्राइटनिंग के लिए। इंस्टेंटली अंडर आई पूरे तरीके से ब्राइट हो जाती है। देखो मैं इसको अच्छे से अपने अंडर आई में डैप कर लूंगी। ये वाला ब्रॉन्जर लगा रही हूं, ब्रॉन्जर ब्रश। अच्छे से मैंने इस पे ब्रॉन्जर लिया, एक्सेस निकाला और हम स्टार्ट करेंगे ये जो ईयर के
ये एरिया से यहां तक अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा और लूंगी मैं, रही हूं। ये सारे ब्रश मैंने अमेजोन से लिए हैं, ये मैंने काफी पुराने हैं, तो मेरे हिसाब से इसके मुझे लिंक मिलेगी तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे ब्रश अमेजोन पे मिलते हैं, तो मैं इसका कोई सिमिलर ब्रश का लिंक होगा तो मैं वो डाल दूंगी। ये मैं मैक का ब्लश ऑन ले रही हूं, ये मैंने मैक का ब्लश ऑन लिया और मैं इसको अपने ब्लशर के ब्रश में लिया। ये थोड़ा पिंक के ऊपर शेड है, आज मुझे थोड़ा फ्रेश लुक करने का मन हुआ क्योंकि मैंने आंखें रिवर्स विंग किया है, नीचे से आंखें काफी डार्क कोल्ड आईज है तो उसके साथ पिंक कलर काफी अच्छा लगता है। बिकॉज ये काफी नेचुरल कलर है। जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है उसमें मैं और थोड़ा सा बनाना पाउडर लूंगी, ये रहा, और मैं ये जो लाइन है उसको और कट करके थोड़ा और उसको मैं शार्पन लुक दूंगी। ये देखिए, इसको मैंने और थोड़ा शार्प लुक दे दिया। यहां पर भी सेम, इसको मैं ऐसे शार्प लुक दे रही हूं। एंड वाइट का ब्रॉन्जिंग पाउडर ले रही हूं और यहां पे लगा रही हूं। ये एरिया को शार्प करने के लिए मैंने यहां पे लगाया ब्रॉन्जिंग पाउडर है, बहुत हल्का सा मैं ये ब्रश में ले रही हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली पिगमेंटेड पाउडर। और मैं ये जो आईब्रोज की लाइन है यहां से एक लाइन बनाऊंगी, हो गया। और बाद में यही वाले ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा हल्का सा बनाना पाउडर लेके बीच में हाईलाइट करने के लिए हल्का सा बनाना पाउडर। अब ऑलमोस्ट अपना मेकअप हो गया है, अभी लास्ट चीज है हाइलाइटर। तो मैं आज पैक का हाइलाइटर ले रही हूं, ऐसे बहुत ही अच्छा है। ये मैं ब्रश में लेके अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूं, ये देखिए इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा सच बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। थोड़ा सा नोज के ब्रिज पे लगाया और थोड़ा सा आपको लगता है ज्यादा है तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको हटा दीजिए। सो नाउ माई लुक इज ऑल मेका की लिपस्टिक, और ये शेड है ऑरेंज वाइज, दिस इज अ ऑरेंज शेड, ये वाली। तो मैं आज नायका की ऑरेंज लिपस्टिक लगाने जा रही हूं। वेरी पार्शल टू ऑरेंज एंड न्यूड कलर, मैं पिंक और रेड की इतनी ज्यादा फैन नहीं हूं। रेड मुझे पसंद है बट आई एम नॉट दैट बिग फैन ऑफ पिंक्स एंड रेड, बट ऑरेंज एंड न्यूड इट्स माय फेवरेट शेड। अगर आप मेरे मेकअप वैनिटी में देखोगे तो आपको ज्यादा करके ऑरेंज और न्यूड शेड ही मिलेंगे। कोविड की वजह से लिपस्टिक लगाना तो एक सपना हो गया है बिकॉज ऑल द टाइम वी वेयर मास्क, सो लिपस्टिक ऐसे ही सारी वैनिटी में पड़ी रही है। महाराष्ट्रन लुक इज नेवर कंप्लीट विदाउट बिंदी, तो उसके बिंदी लगाऊंगी बिकॉज महाराष्ट्रन लुक कभी ये चांद आकार की बिंदी के बिना कभी पूरा नहीं होता, इट्स ऑलवेज इन बिंदी लगा रही है। सो ये मैंने बिंदी लगा दी,
अब इसके साथ मैं ये लुक को और ज्यादा कंप्लीट करने के लिए ये वाले महाराष्ट्र इयररिंग पहन रही हूं। ये मैंने लिए थे पूना में लक्ष्मी रोड करके एक रोड है, वहां पे ऑथेंटिक महाराष्ट्र ज्वेलरीज और साड़ीज और वो सब बहुत ही अच्छी मिलती है। इफ यू गेट अ चांस टू गो टू पुणे देन श्योरली गो टू लक्ष्मी रोड, और वहां पे इतनी रिजनेबल रेट में ज्वेलरीज मिलता है, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिलती है। उसके साथ में ये वाला एक नेक पीस पहन रही हूं, ये भी मैंने पूना से ही लिया था। अगर आप पूना नहीं जा सकते हैं तो ये सारी ज्वेलरी आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, सिमिलर तो नहीं मिलेगी बट काफी सारी महाराष्ट्र लुक वाली ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। उसके साथ मैं ये वाला एक मंगलसूत्र पहन रही हूं, ये मैंने पहन लिया, और ग्रीन कलर की महाराष्ट्र बैंगल महाराष्ट्र नथ पहन रही हूं, ये मैंने ली थी कोल्हापुर से। अगर आपका आपका होल ना हो तो एक स्टिक ऑन वाली भी होती है नथ, आप वो भी पहन सकते हैं। मैंने पहन ली और उसके मेरा महाराष्ट्र लुक कंप्लीट, और मुझे काफी अच्छा लगा ये लुक। मेकअप भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग माय आउटफिट एंड माय एंटायर ज्वेलरीज, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ माय लुक। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मेरा महाराष्ट्र लुक कैसा लगा। छान वाटला तरी माला, सब्सक्राइब करा आणि लाइक करा। सो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एंड येस डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन, सो मेरी जो भी नई वीडियोज आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, नमस्कार।